भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से विधायक गोपाल मंडल किसी परिचित के मरीज को देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे। यहां विधायक का कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। विधायक अपने हाथ में लाइसेंसी पिस्तौल लेकर अस्पताल के अंदर पहुंच गए और फिर ऑपरेशन थिएटर में जाकर मरीज से मुलाकात की और फिर वहां से अपने सुरक्षा गार्ड के साथ हाथ में पिस्तौल लेकर वापस आ गए। वहीं कैमरे पर तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन फोन पर बात करने पर बताया कि उनके बहुत सारे राजनीतिक दुश्मन हैं, इसलिए उन्होंने हथियार रखा है। वहीं इसका लाइसेंस भी उसके पास है जिनसे उनकी जान की सुरक्षा हो सके। एक तरफ सरकार कहती है कि यह सुशासन की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद भी विधायक जी को हाथ में पिस्तौल लेकर चलना पड़ रहा है। तमाम अवरोधों और जटिलताओं के बावजूद जाति आधारित गणना की रिपोर्ट अब हकीकत बन गई है। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पहुंच गई है। बिहार पहला राज्य बन गया जिसने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। अहम बात यह है कि सभी सियासी पार्टियों की आम सहमति के बावजूद सामाजिक हिस्से के एक वर्ग में इसे लेकर आशंकाएं प्रकट की जा रही थी, लेकिन वो धरातल पर उतर गई है। हालांकि अभी इसमें कुछ त्रुटियां पाई गई है, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसको लेकर आज भागलपुर जदयू के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए लोगों को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी और एक दूसरे से गले मिले। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुरानी नीति जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात अब सामने आ गई है। उम्मीद है पूरे भारतवर्ष में भी ऐसी जनगणना होगी जिससे पूरा भारतवर्ष अपने आंकड़े को जान पाएगा। जाति आधारित जनगणना को लेकर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जनता दल यू के विपिन बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में हम लोग कचहरी चौक, जहां पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है और इस चौक को पटेल चौक भी कहते हैं, इसी चौक पे जाति जनगणना का जो आंकड़ा पूरा प्रकाशित किया है बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कल प्रकाशित हुआ है, उसी के खुशी में उसी के उत्साह को बांटने के लिए हम लोग जिला जनता दल यू की ओर से मिठाई बांटकर एक दूसरे को खिला रहे हैं और भागलपुर शहर वासियों को भी मिठाई खिलाकर ये उत्साह हम अपना बना रहे हैं कि हम लोग आज बहुत खुश हैं। और आज जो ये आंकड़ा प्रकाशित हुआ है जिससे कि अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से सवर्ण जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं सबों को इसका लाभ मिलेगा। और जो पुराना नारा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस आंकड़े के बाद यह स्पष्ट होगा और ये सबों को लाभ मिलेगा। और हमारे बिहार में अब लगातार जो पिछड़े और अति पिछड़े को प्रकाशित हो। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के सरायकिला बालू घाट पर स्नान करने के दौरान दो नाबालिग की गंगा में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सुमन कुमार और गोल्डी कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने घर से शाम में खेलने के लिए गंगा घाट पर गया था, जहां दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने लगा। इस दौरान गंगा की तेज धार की चपेट में आने से बह गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई है। SDRF टीम को सूचना दी गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाव पर से कूद गया और डूब गया अंदर। नहाने के लिए तुम लोग आए थे? हम सब बगल में नहा रहे थे, वो लोग नाव पे चढ़ा हुआ था। तो नाव पर से कौन कौन कूदा? दोनों साथे कूदा। कौन कौन कूदा? नाम क्या था? सुमन कुमार और संदीप कुमार। क्या नाम था? सुमन कुमार और संदीप कुमार। यहाँ पे लोग नहीं था? नहीं था, उधर पास में था बैठा हुआ। दूर चिल्लाए ना कि बचाओ बचाओ? चिल्लाए तो सब आया, इतना देर में वो डूब गया। तुम लोग साथे में थे? उन लोग को बोलते बोलते ही लोग उधर गया। हम सभी उसमें जा रहे थे तब उधर से आदमी सब बोला रुक जा तुम सब नहीं जाना। भागलपुर का जिला परिवहन विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। अगर बिजली कट जाती है तो यहाँ के सारे काम ठप हो जाते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिला परिवहन विभाग के सभी दफ्तर में बिजली कटते ही घना अंधेरा छा जाता है और काम ठप हो जाते हैं। इसको लेकर लोग घंटों परेशान रहते हैं। कुछ परेशान लोगों ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को आवेदन लिख कर दिया। वहीं जिला परिवहन विभाग के रवैया से परेशान लोगों ने कहा कि लर्निंग लाइसेंस के लिए हम लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ के कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी बिजली नहीं है और जनरेटर में तेल नहीं है। वहीं जनरेटर ऑपरेटर ने कहा कि हमें तेल का पैसा 3 महीने से नहीं दिया जा रहा। इसके जवाब में DTO ने कहा कि मैं तेल का पैसा जनरेटर ऑपरेटर को नहीं देने वाला हूं। बिजली आएगी तो काम होगा।
अब सवाल यह उठता है कि क्या जिला परिवहन विभाग भगवान भरोसे चल रहा है या फिर बिजली विभाग के भरोसे? क्या इसी तरह अपने लाइसेंस को बनाने के लिए लोग परेशान रहेंगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर किस तरह संज्ञान लेती है। समस्या ये आ रही है कि 2 बजे से सारे लोग वेट कर रहे हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए, बिजली नहीं है। बोलने पर कहा गया कि जनरेटर में तेल नहीं है, जनरेटर वाले को बुलाया गया पांडे जी को, उन्होंने कहा कि हमको तेल का पैसा 3 महीने से नहीं मिला है। अच्छा। हम अपने घर से कितना चलाएंगे? DTO साहब से मिले, उनसे बोले तो वो बोले कि नहीं नहीं उनको हम तेल वेल नहीं देंगे, आप लोग उससे चलवाना तो चलवा लीजिए, नहीं तो बिजली आने के बाद ही काम होगा। कितना देर से बंद है? कितना देर से बंद है ये लाइट? 2 घंटे। क्या इसका कुछ सुविधा नहीं हुआ अभी तक? जनरेटर में कुछ इशू है या पता नहीं, उतना नहीं सब बता पाएंगे, 2 बार बोले हैं। अच्छा ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम है सर टेक्निकल। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में 6 महीने से वहां रह रहे छात्र जल जमाव से काफी परेशान है, जिसको लेकर वहां के छात्रों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखकर इन समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। यहाँ तक की उस छात्रावास के बाथरूम मोटर रूम आने जाने के रास्ते लगातार 6 महीने से लबालब भरे हुए हैं, जिसके चलते छात्र बीमार हो रहे हैं। कई छात्रों को डेंगू जैसी बीमारी हो गई है जो इलाज कराने मायागंज अस्पताल में भर्ती है। इस समस्याओं से परेशान होकर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास के दर्जनों छात्र उग्र हो गए और भागलपुर आयुक्त के पास पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर काम कर लिया जाएगा, इस परेशानी से आप लोगों को जल्द निजात मिलेगी। वहीं छात्रों ने कहा कि हम लोगों को कहीं भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह कोई गंगा जल नहीं नल का सीवेज वाटर है जिससे हम लोग मोटर के जरिए खाना बनाने नहाने में उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, इस पर जल्द से जल्द पदाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं छात्रों ने कहा कि हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन होगा। यहाँ सर हमारे छात्रावास में सर जल जमाव की समस्या है। हाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 2 में सर करीब 6 महीने से जल जमाव की समस्या है। जो कोई गंगा जल नहीं वो नाले का सीवेज वाटर है, जिसमें कि हम प्रत्येक दिन हम लोगों को विश्वविद्यालय जाना होता है, मतलब महाविद्यालय जाना होता है, क्लास करने के लिए जाना होता है, वही जल हम लोगों को मोटर से जो है टंकी में जाता है, वही टंकी का वाटर जो हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल कर करके हम लोग जो है कई दिनों से बीमार हैं। कई छात्र जो है डेंगू से पीड़ित होकर के आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। कई हॉस्टल में पानी है, करीब 3 से 4 हॉस्टल में सर पानी है, जिसमें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 2 पूरा डूबा हुआ है। हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 2 से बोल रहे हैं। मेरा नाम छोटू चौधरी है, हम PG के सीनियर छात्र हैं। यहाँ ये जल जमाव की समस्या जो आप लोगों ने देखा ये कोई नया नहीं है। मैंने 7 अगस्त को मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, केवल मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री DM DDC जितना है सब पदाधिकारी को मैंने लेटर लिखा 7 अगस्त को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद 7 अगस्त को लिखा, फिर 22 सितंबर को लेटर लिखा, और इधर 2 दिन पहले फिर से लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक हम लोग को जल जमाव की समस्या में झेलना पड़ रहा है। हम लोग का जो बाथरूम है वो पूरा लबालब भर गया है। हम लोग का जो पानी मोटर है जिस जो कि पीने के लिए मेरा मेन सोर्स था वो पूरा जलमग्न है।
यही गंदा पानी मोटर में, मोटर के द्वारा टंकी में जाता है, उसी टंकी से हम लोग को बर्तन धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, आम नित्य क्रिया, यहाँ तक कि खाना बनाने को मजबूर है। यहाँ के विद्यार्थी बीमार पड़ रहे हैं, चार बच्चे डेंगू का प्रॉब्लम हो गए, वो घर जा चुके हैं, और जो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं जैसे खांसी सर्दी। भागलपुर के बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना दे रही आंगनवाड़ी सेविकाओं का कहना है कि लंबे समय से 15 सूत्री मांग को लेकर ये लोग लगातार सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि आंगनवाड़ी सेविका व आंगनवाड़ी सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वहीं आंगनवाड़ी सेविका को 24,000 रुपये वेतन दिए जाए, वहीं सहायिका को 18,000 रुपये वेतन दिए जाए। वहीं इसके लिए अन्य मांगों को लेकर सेविकाओं और सहायिकाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सरकार को आगाह किया गया कि अगर जल्द इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो सिर्फ मानदेय पे खटाया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि काम अनेक तरह का और देने के नाम पे सिर्फ मानदेय, हम लोगों को मानदेय नहीं, हम लोगों को वेतन चाहिए, या नहीं तो फोर्थ ग्रेड का नौकरी हम लोगों का कर दे, बस यही हम लोगों की मांग। 15 सूत्री मांग है, हमारी मांग यदि पूरी नहीं होगी तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। क्या मांग है? मांग है मानदेय से वेतन चाहिए, मानदेय से वेतन चाहिए, वेतन नहीं तो काम नहीं, आगे अनिश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल रहेंगे। नगर सफाई कर्मचारी संघ नगर निगम भागलपुर कार्यकारिणी समिति की बैठक लड्डू हरि की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दिनांक 19 सितंबर को वेतन मांगने के आरोप में हटाए गए कर्मचारियों एवं आदित्य जायसवाल स्वास्थ्य शाखा प्रभारी नगर निगम के द्वारा एक मेहतर सफाई कर्मचारी एवं प्रभाग प्रभारी को गाली गलौज करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में 3 प्रभारी राजेश कुमार वार्ड नंबर 30, सागर हरि वार्ड नंबर 21, लड्डू हरि वार्ड नंबर 32 जो सभी मेहतर जाति से हैं, और बिक्की राय ट्रैक्टर चालक को सिर्फ वेतन मांगने के आरोप में कार्य से हटा दिया गया। जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, वेतन नहीं मिलने पर वेतन मांगना कोई अपराध नहीं था, फिर भी ऐसा किया गया। इसका मूल कारण इन लोगों का मेहतर जाति का होना है। ये लोग हर गंभीर बीमारी में, यहाँ तक कि कोरोना महामारी में, अपना और अपने समस्त परिवार को जान जोखिम में डालकर संपूर्ण भागलपुर जनता को इस महामारी से बचाने का कार्य किया, और अभी भी डेंगू बीमारी से शहर की जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो 19 सितंबर को जो वेतन जो भुगतान में लेटी देरी चल रही थी, उसके लेकर के जोन नंबर 2 का गोदाम का तमाम सफाई कर्मचारी काम को बंद किए हुए थे वेतन को मांगों को लेकर। इसमें से कुछ लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जैसे कि वार्ड नंबर 30 का राजेश हरि, वार्ड नंबर 21 का आपका सागर कुमार हरि, वार्ड नंबर 32 का प्रभारी लड्डू हरि। ये सभी लोग मिल के वहां पर हम लोग जानकारी जानने के लिए चाहा कि भाई किस बात के लेकर को काम बंद है। सारे मजदूरों ने बताया कि ये काम बंद इसलिए किया गया है कि वेतन हम लोग को नहीं दिया जा रहा। बोले ठीक है, हम लोग नगर आयुक्त से या स्वास्थ्य पदाधिकारी से बात करना चाहिए। तब तक स्वास्थ्य पदाधिकारी आया और उन्होंने श्वासन ने देखी, बल्कि मजदूरों के साथ में अब व्यवहार किया, आप भद्दा भद्दा गाली गलौज से बात करको, उन्होंने चला गया। ये कहते हुए चला गया कि सभी को जोनल को चिन्हित कर दिया गया है, बोल दिए हैं कि जो जो ये नेतागिरी कर रहा है, जो इन वेतन की मांगों को लेकर काम बंद की गई है, सारे मजदूर को हटाया जाएगा। इसी लेकर को सभी मजदूर के मन में आक्रोश हो गया कि भाई हम लोग एक तो शहर की साफ सफाई करते हैं, जिस तरीका से डेंगू भागलपुर शहर में पूरा आक्रमण ले लिया है, उसको हम लोग समाप्त करने के लिए हम लोग लगन से लग के काम धंधा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी निगम के पदाधिकारी स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने हम लोग के साथ में गाली गलौज कर रहा है, ये सरासरी अन्याय है, शोषण। हम लोग चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य पदाधिकारी महादलित सफाई कर्मचारियों की जो गाली गलौज मजदूरों के साथ में की गई है, जिसका ऑडियो भी आपका फ्लैश कर दी गई है, उनके मुताबिक हमारा मांग है, हमारा सारा मजदूर का, कि उनको अविलंब उसको उस पद से हटाया जाए और कानूनी तौर से ACST एक्ट के मुताबिक उन पर केस दर्ज किया जाए, और सभी कर्मी का मांग है कि।
आपदा प्रबंधन कार्यालय के सामने जिला परिषद द्वारा 3 दुकान बना लिया गया था जो अवैध रूप से बना हुआ था। इसके पहले तीनों दुकानों को जब अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम से कर्मी अपने दल बल के साथ आए तो जिला परिषद के लोगों ने इन तीनों दुकानों पर अपनी संपत्ति बताकर तोड़ने से मना कर दिया था, परंतु यह तीनों दुकान अवैध तरीके से बनी हुई है, इसलिए आज जिला प्रशासन एवं नगर निगम के आदेशानुसार इन तीनों दुकानों को तोड़ दिया गया। जबकि इस बीच नगर निगम ने जिला परिषद को 15 दिनों की मोहलत भी दी थी ताकि इसके कागजात जिला परिषद पेश कर सके और दुकान में रखे सामान भी दुकानदार सहूलियत से निकाल सके, लेकिन कोई भी कागजात जिला परिषद के लोगों ने सामने नहीं रखा, जिसके चलते इन तीनों दुकानों पर जिला परिषद और नगर निगम का बुलडोजर चला, तीनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी भागलपुर नगर निगम के कर्मी सह अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य उपाध्याय ने दी। आपदा प्रबंधक ऑफिस के सामने जिला परिषद द्वारा 3 दुकान बना दिया गया था सर जी, जो अवैध था। इसके पहले हम लोग इसको अतिक्रमण मुक्त कर रहे थे तो जिला परिषद से लोग आए हुए थे कि ये मेरा संपत्ति है, तो हम लोग उस वक्त छोड़ दिए, उन लोगों को 15 दिन का समय दिए, 15 दिन के बाद आप कागज पत्र, 15 दिन में उन्होंने किसी प्रकार का कागजात उपलब्ध नहीं कराया सर जी। उसके बाद फिर जिला से आदेश हुआ कि जो तीनों दुकान को हम लोग ध्वस्त करने, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव भागलपुर पहुंचे, उन्हें भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला देकर स्वागत किया गया। उसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1923 को बिहार के बक्सर उधरचक गांव में हुआ था, वो भारतीय जनसंघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जयप्रकाश आंदोलन जैसे कई कार्यों में उनकी भागीदारी थी। पार्टी के प्रति उनका समर्पण देखते हुए भाजपा ने निर्णय लिया है कि उनके 100 वर्ष पूरे होने पर 5 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक पूरे बिहार में 1 महीने का कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में उनके जीवन पर आधारित समाज के उनके कार्यों की विवरण, संगठन का कार्य में उनकी उपलब्धि को लेकर प्रदर्शन लगाई जाएगी। कैलाशपति मिश्र के नेक व पुनीत कार्यों और विचारों को लेकर 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आगामी 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पूरे 1 महीना जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय, शक्ति केंद्र प्रमुख पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में 5 अक्टूबर को बापू सभागार से करेंगे। इसको लेकर भाजपा भागलपुर इकाई के सदस्यों में काफी खुशी देखी गई। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 5 अक्टूबर से पूरे 1 महीने मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यक्रम चलाने वाली है। और भाजपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो 5 अक्टूबर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं, उस कार्यक्रम में भागलपुर सहित बिहार के तमाम जिलों से मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी पदाधिकारी, प्रदेश के मंच मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं, ऐसे हजारों लोग वहां इकट्ठे होने वाले हैं। और वहां से जो ये कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित होगा, उसकी रोशनी हर जिले में अगले 1 महीने तक आपको प्रकाशित होती दिखाई देगी। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन जिला कमेटी भागलपुर द्वारा लखीमपुर खीरी के शहीदों को न्याय दिलाने एवं भाजपा मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने और गिरफ्तार करने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन के कार्यालय के समीप काला दिवस के रूप में प्रदर्शन किए। सभी प्रदर्शनकारियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष बिंदुश्री मंडल ने कहा कि मोदी सरकार पूर्ण रूपेण फांसीवादी है, उनके खिलाफ हम किसान काला पट्टा लगाकर धरने पर बैठे हैं। केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ वादा करती है, धरातल पर कोई काम नहीं करती। वो किसानों के साथ और मजदूरों के साथ छल करना बंद करे, वरना आंदोलन उग्र होगा। संयुक्त बैनर तले लखीमपुर में जो अजय मिश्रा टोनी के पुत्र ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया, उसके उपलक्ष्य में आज काला दिवस है। इस धरना के जरिए हम लोग सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई है, वो अहम में भले ही चूर है, लेकिन देश के किसान लड़ाई लड़के लखीमपुर खीरी के शहीदों का बदला भी लेगा, अपने 3 काले कानूनों को वापस करवाएगा। MSP कानून जो हम लोगों के किसानों की तरफ से जो पेश हुआ है, C2 प्लस 50%, हम उसके मांग के समर्थन में
यहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे हैं और हमारी मांग है कि तीन काला कानून वापस करो, MSP दो, और लखीमपुर खीरी में जो लोग शहीद हुए हैं, किसान शहीद हुए हैं, और उनके जो दोषी हैं, अपराधी हैं, अजय मिश्रा टोनी के पुत्र, उनको फांसी की सजा दो। साथ ही हम लोग ये कह रहे हैं कि किसान विरोधी 2020 में बिजली बिल लाया गया था उसको वापस करो, और चार जो श्रम कानून कोर्ट बिल है अभी बिहार मतलब देश में लाया जा रहा है, वो संभावित है लागू नहीं हुआ है लेकिन लागू करने की प्रक्रिया चल रहा है, उसको वापस करें, वरना किसान मजदूर लड़ाई लड़ करके हम मोदी को इस काले कानून को भी दफनाएंगे और मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे। आगामी 15 अक्टूबर से दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रही है, इसको लेकर सभी पूजा समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, कहीं मूर्तियां बन रही है तो कहीं पंडाल बनना शुरू हो गए हैं। इस बार भागलपुर में शहरवासियों के लिए बेहद खुशी का पल है, उन्हें इस बार भागलपुर के आदमपुर स्थित दुर्गा मंदिर में पश्चिम बंगाल का जोहरा काली मंदिर देखने को मिलेगा। इसको लेकर कारीगर अभी से पूजा पंडाल बनाने में लग गए हैं, वहीं पूजा समिति के लोगों में खासी खुशी देखी गई। पंडाल बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसको लेकर पूजा समिति की राकेश दुबे के द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मेढ़पति विद्यानंद झा, भाजपा नेता आलोक सिंह बंटू, भूतनाथ यादव, चंदन जायसवाल, चंदन यादव, जीतन मांझी, आनंद मिश्रा सहित दर्जनों आदमपुर दुर्गा पूजा समिति के लोग उपस्थित थे। आदमपुर दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, इसमें जोहरा काली मंदिर पश्चिम बंगाल की आकृति बनाई जाएगी, और हमारे कारीगर कलकत्ता से आ चुके हैं और विगत एक सप्ताह से वो इस भव्य पंडाल के निर्माण में लगे हुए हैं, और अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है जिससे कि आने वाले लोगों को कोई असुविधा उपलब्ध ना हो, सुरक्षा से लेकर अंदर की सारी व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। और मैं सबसे नम्र निवेदन करूँगा कि एक बार ज़रूर इस पंडाल में आएँ और माता का दर्शन करें।